और भाइयों कैसे हो यार, बताओ तुम सब। तो यार ये गेम थी एक, मतलब हाउस फ्लिपर करके, उसमें पीसी में जो अभी रिसेंटली आ चुकी है, इसमें क्या कहते हैं फोन पे। तो मैंने सोचा है चलो यार खेलते हैं, एक बार खेल के देख लेते हैं कैसी है गेम। ये फोन पे वैसी लग रही है मेरे को, तो देखने में तो वैसी लग रही है, अब पता नहीं खेलने में कैसी है। चलिए आइए देखते हैं, बड़ी फेमस गेम हुई थी ये, तो एक बार आ जाओ देखते हैं जरा कैसी गेम है ये। चलो भाई शुरू करते हैं, हाउस फ्लिपर मोबाइल एडिशन। योर ऑफिस? अच्छा हमारा ऑफिस है, वाह ज़्यादा बड़ा नहीं है। चलो कचरा निकालने से शुरू करते हैं भाई, ज़्यादा बड़ा तो दिख नहीं रहा, बट चलो धीरे धीरे करके जो मिला है उसी से। मतलब जिनको नहीं पता ये गेम के बारे में, बेसिकली ये रेनोवेशन के ऊपर ही है। रेनोवेशन या कैसे तुम डिज़ाइन वगैरह करते हो, एक तरीके की सिमुलेशन गेम ही है ये। तो ज़रा कचरा वगैरह निकालूँ मैं, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। अरे भाई के बाथरूम में तो और भी ज़्यादा कचरा। कोई नहीं, एक एक करके निकालेंगे सारा। चलो भाई सफाई भी कर देते हैं, तरह मैं सफाई करता हूँ फिर आता हूँ आपके पास। सफाई करने को बहुत है, आप क्या देखोगे इसको। सफाई तो होगी, चलो अब थोड़ा बहुत सामान भी बेचा जाए, थोड़ा बहुत पैसे आए, ज़्यादा है नहीं अभी हमारे पास, और बनाने के लिए भी तो बहुत सारा चाहिए ही होगा। मैं तो सोच रहा हूँ भाई पूरा ही भेज दूँ ये, अभी जितना भी सामान है सब नया लाएंगे। बाल्टी का भी क्या करेंगे, भेज देते हैं, और इसका भी भेज देते हैं। बड़ी बकवास दिख रही है, थोड़ा मॉडर्न बनाएंगे अपने इस कमरे को, अपना गेमर्स रूम बनाएंगे यूट्यूबर्स का। किचन यूटेंसिल्स वगैरह ये सब अभी तो कुछ ज़रूरत नहीं है, बेच ही देते हैं इसको ना। मतलब थोड़ा मॉडर्नाइज लुक देंगे, मतलब थोड़ा दिखने में भी बढ़िया हो और थोड़े यूट्यूबर वाली फीलिंग आए कि मतलब हाँ भाई, ओ भाई अपग्रेड आ गया। कर देते हैं, आई मीन अपग्रेड इसमें करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे तुम्हारी चीज़ें बहुत फास्ट हो जाती हैं। तो भाई वो तो टाइम टू टाइम होता रहेगा, चलो बाकी देखते हैं। अभी तो कोई काम करना पड़ेगा पैसों के लिए, पैसे कमाते हैं थोड़ा फिर आता हूँ आपके पास। ठीक है भाई, जैसे कि आप देख रहे हो मेरे बैंक अकाउंट में आ चुके हैं कुछ 100 100 के आ चुके हैं कुछ। तो चलो भाई फिर करते हैं, देरी किस बात की है भाई, आ जाओ। बाथरूम से भी सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत सामान निकाल दूँ, वैसे तो ज़्यादा बड़ा है नहीं। चलाओ पूरा बेचते हैं, इस बिस्तर का भी हम क्या करेंगे, बड़ा बकवास दिख रहा है, थोड़ा नया नए स्टाइल का लाएंगे थोड़ा। ये क्या चीज़ है, रेडिएटर के लिए, अच्छा ठीक है। जब तक मैं सामान बेचता हूँ थोड़ा बहुत, देखता हूँ क्या क्या रखना है क्या क्या नहीं। वैसे तो सोच रहा हूँ सभी बेच दूँ, फिर आते हैं आपके पास और देखते हैं क्या करना। भाई के बाथरूम में भी बेचो, ये मिरर वगैरह पता नहीं क्या क्या लगा रखा है, बाथरूम तो इतना गंदा हो रखा है, इसको तो रखना ही नहीं है भाई, इसको तो साफ ही करना है पूरा। ये भी हटाओ, तो टाइलिंग का क्या करना है देखते हैं जरा। टाइलिंग में किस टाइप की टाइलिंग, पैनल चाहिए, टाइल चाहिए? अभी तो ज़्यादा अनलॉक नहीं हुआ, अर्ली स्टेजेस है ना, एक एक करके सारा अनलॉक करना पड़ेगा। ये भी पैनलिंग सोचता हूँ मैं, कौन सी वुडन ही करे, वुडन की कौन सी करे, ये ठीक है, यही बढ़िया, ये पूरे में कर देते हैं, बढ़िया भी लगेगा। हाँ बढ़िया लग रहा है वैसे देखा जाए तो। कॉन्ग्रेचुलेशन, 5 फ्लिप कॉइंस, कोई नहीं। चलो भाई अपना ऑफिस बनाए, हो गया, अच्छा लग रहा है वुडन फ्लोर ये तो। अब कलरिंग का देखना है, अब क्या करें, वॉलपेपर लगाएं या क्या? आई मीन वॉलपेपर अच्छे हैं, बहुत सारे चॉइसेस तो है, बिल्कुल पीसी की तरह है अभी, बट थोड़े कम है। जैसे जैसे कि आप उसमें तोड़ फोड़ सकते थे,
और भी बहुत कुछ कर सकते थे। मैं तो सोच रहा हूँ कि मतलब क्या करना है, एक आइडिया है मेरे को। हम ना सिंपल सा करते हैं कुछ जो तुम्हें थोड़ा मॉडर्न भी दिखे और बढ़िया भी दिखे। तो मैं ब्लैक से शुरू करता हूँ, ब्लैक लगाएंगे हर जगह। अभी तुम सोच रहे हो भाई क्या कर रहा है बंदा, ब्लैक क्यों लगा रहा है। देखते जाओ यार तुम, भाई तुम्हारे इसमें एक्सपर्ट है। थोड़ा क्रिएटिविटी लाते हैं थोड़ा इस रूम में, अच्छा बनाएंगे, सिंपल नहीं रखेंगे, बढ़िया बनाएंगे, देखना तुम अभी। तो जब तक पेंट करता हूँ मैं, पूरा टाइम तो लगेगा, थोड़ी देर में आता हूँ फिर आपके। थोड़ा सा बचा बस। यार देखो, एक तो हम इस चैनल में पहली बार सिमुलेशन टाइप का कुछ कर रहे हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताते जाना कि मतलब सिमुलेशन गेम्स आपको पसंद आ रही है या नहीं। पहले पहली बार ही कर रहे हैं हम तो सिमुलेशन गेम इस चैनल पे, तो देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है क्या नहीं। रोलर का भी लेवल 4 हो चुका है, बट मेरे पास अभी कॉइन्स नहीं है इसको अपग्रेड करने के लिए। मतलब दिखने में तो बढ़िया लग रहा है, एक मिनट रुको ज़रा बेच दो जो सामान है। और सीलिंग पे वाइट करेंगे, एक और ले लेते हैं। एक और वाइट था मेरे ख्याल से, ये क्रीमी क्रीमी करना। छोड़ छोड़ यार, यही कर लेते हैं, वो अनलॉक वगैरह करना पड़ेगा। वाइट ही वाइटनेस ही रखते हैं, नीचे ब्लैक और ऊपर वाइट, बढ़िया रहेगा। करते हैं चलो, इसमें भी अब टाइम ही लगेगा। ये सब ना मैं थोड़ा आपके लिए स्किप कर दूंगा, क्योंकि ये सब ना देखने में थोड़ा बहुत बोरिंग हो जाता है। एक बार कर लेता हूँ फिर आप आपके पास आता हूँ वापस। भाई एक ही डब्बा लगा यार, मुझे लगा ज्यादा लगेगा। चलो भाई ये है भाई, अभी तो भी फिनाल ये है, दिखने में सही है, इतना भी बुरा नहीं लग रहा। अभी थोड़ा और टचेस वगैरह करेंगे तो भाई बढ़िया लगेगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या कहते हैं, यहाँ पे एक मतलब सोच रहे हो मतलब एक वो होती है ना एक्सेंट वॉल, और यहाँ पे अपना टेबल और यहाँ पे अपना बिस्तर, सही रहेगा। सोच रहा हूँ एक्सेंट वॉल में वॉलपेपर लगा दूँ, देखते हैं किस टाइप का वॉलपेपर अच्छा लगता है किस टाइप का नहीं। यार ये वाला बढ़िया लग रहा है, थोड़ा मतलब ब्लैक के साथ रेड भी थोड़ा सूट करे, और ब्राउन टाइल है ना, थोड़ा ज़्यादा डार्क नहीं करना, मॉडर्न भी दिखे और अच्छा भी दिखे। अब यहाँ पे इस एक्सेंट वॉल में मैं कलर करने का ही सोच रहा हूँ, ब्लैक के साथ येलो अच्छा लगेगा, करके देखते हैं। हाँ अच्छा लग तो रहा है। आई मीन कमेंट्स में लिख के जरूर बताना, मेरे को तो अच्छा लग रहा है। यहाँ पे भी करूँ, अनइवन हो जाएगा बट सोचता रहूँ, चलो कर ही देता हूँ, बाद में होगा तो ब्लैक कर देंगे। तो यहाँ पे मैं अपना कंप्यूटर का डेस्क वगैरह रखूँगा, गेमर पीसी यूट्यूब वगैरह के लिए। चलो अब जरा बाथरूम का देखा जाए, बाथरूम में भी टाइलिंग वगैरह लगानी है, चलो लगाते हैं, देखते जरा। ब्लू ही अच्छी रहेगी, मतलब इतना भी ज़्यादा पैसा वेस्ट ना करें, थोड़ा बचत करके सस्ती सी लगा देते हैं, कोई दिखने में बुरी नहीं है। ठीक है अब यहाँ पे वॉलपेपर लगा रहा हूँ मैं बाथरूम में, हालांकि पेंट लगाना चाहिए बट कोई नहीं, वॉलपेपर से काम चलाते हैं। चलो भाई अब बेडरूम की तरफ आते हैं, बाथरूम का तो हो गया, अब यहाँ पे लिखते जरा बेड बेडरूम। ये सोच रहा हूँ भाई मॉडर्न, मैंने देखा बड़े देर से ना ये, मतलब बहुत पसंद आ रहा है मेरे को देखने में भी, यही लगाते हैं, थोड़ा मॉडर्न लुक आएगा ना। बढ़िया सही लग रहा है, हाँ दिखने में भी बढ़िया। चलो भाई
अब और कुछ तो नहीं है ना, एक कैबिनेट सोची है मैंने भाई, कैबिनेट भी लगा देता हूँ कपड़े वगैरह के लिए। मतलब छोटी छोटी डिटेल मैटर करती है भाई, थोड़ा इधर को लगा देता थोड़ा। हाँ बढ़िया लग रहा है। हाँ भाई ये सही है, ये मेरा बेडरूम हो गया। चलो भाई अब यहाँ पे काम करते हैं। वर्किंग के लिए ये ठीक है, टेबल कंप्यूटर के लिए सही लग रहा है। इसको ऐसे लगा देते हैं, अच्छा लग रहा है टेबल ये। अब एक चेयर के लिए ऐसी चेयर ही सोच रहा था, अब गेमर चेयर तो मिल नहीं रही भाई। अब कौन से कलर में करनी है? ये सही है, ब्लैक के साथ मैच भी कर देगी। इसको ऐसे रख देते हैं। आई मीन गेमिंग चेयर तो मिली नहीं, इसी से काम चलाते हैं, इसको समझ लेते गेमिंग चेयर। द बेसिक्स ठीक लग रहा मेरे को, आई मीन इसमें सब कुछ है, यही सही रहेगा। बढ़िया ठीक रहेगा। ये लो भाई बन गया हमारा बेसिक गेमिंग सेटअप। ये 144 हर्ट्ज का स्क्रीन है और ये RTX 3090 ग्राफिक्स के साथ। बढ़िया भाई, चलो और क्या है। लाइट भी देखनी है, एक ज़रा लाइट लगाएं किस टाइप की अच्छी लगेगी। ब्लैक या है ये, थोड़ी लाइट करते हैं, ट्राई करके देखते हैं। ये कहाँ लगाएं, यहाँ पे? नहीं यार कंप्यूटर के ऊपर अच्छी लगेगी। ऐसा करते हैं थोड़ा पीछे कर देते हैं। ओ भाई इतना पीछे नहीं, ऐसे अच्छी लगेगी। किचन की बारी भाई, किचन भी तो लगानी है भाई, जब हम रह रहे हैं खाना वगैरह तो खाना ही होगा ना। चलो ये भी कर देते हैं भाई, ये लाइन नहीं हो रहा, क्या हो गया इसको भाई? अब जाके हुआ है, सही लग रहा है। अब यहाँ पे एक सिंक देखते हैं ज़रा। हाँ ये वाला बढ़िया, अब जो अनलॉक्ड है भाई उसी से काम चलाते हैं। हाँ सही लग रहा है। इसके साथ ही यहाँ पे एक और लाइन तो सरों कहाँ गया। हाँ बढ़िया लग रहा है, सही है, अच्छा लग रहा है। चलो भाई इतना तो बन गया, और बनाते हैं। चलो फिर मैं सोच रहा था एक कैबिनेट ना यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही, यहाँ पे लगा के देखें। हाँ यार यहाँ पे अच्छी, यहाँ पे कोई बेड साइड टेबल वगैरह लगा देंगे। फ्रिज ये अच्छा लग रहा है, मतलब पतला भी है। ओ भाई ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, लगाएंगे कहाँ इसको? ये बढ़िया जगह, अरे बढ़िया भाई हमारा काम आसान हो गया। जगह भी ठीक है, जगह के हिसाब से कोई आएगा अंदर, जगह नहीं दिक्कत नहीं होगी उसको। चलो भाई बढ़िया, ये भी हो गया, और क्या है? लाइट्स लगा दी भाई, देखो यहाँ की भी लाइट चेंज कर दी, अजीब सी लग रही थी वो वाली। मैंने सोचा एक ही लगाते हैं भाई पूरे, जब लगा रहे तो एक मिनट ज़रा, ये ना अच्छे से अलाइन नहीं हो रही। ये टेबल के ऊपर अच्छी लगेगी या चेयर के ऊपर? चलो भाई अब ये ज़रा बेड साइड टेबल भी देखा जाए, ये ही ठीक है। नाइट स्टैंड अभी के लिए यही, आई मीन वुड मैच नहीं कर रही बट चलता है। बाथरूम के लिए भाई हमारे पास जगह तो है नहीं, मैं सोच रहा हूँ यही शावर लगा देते हैं। बाथ टब के लिए तो हमारे पास इतनी जगह है नहीं अभी, ये शावर ही ठीक रहेगा। सही है, शावर ही ठीक है। अब यहाँ पे टॉयलेट आ जाएगा,
और वॉश बेसिन भी तो चाहिए भाई, ये वाला बढ़िया। अभी तो सारे लॉक भी करने हैं वो सब, बहुत पैसा जाएगा तो थोड़ा देख देख के खर्चते हैं। वॉश बेसिन ठीक लग रहा है, अब थीम के साथ भी जा रहा है, ब्लैक वाइट और रेड का जो थीम बना रखा है हमने। अब यहाँ पे वॉशरूम लगाते हैं, वो दूसरा वाला तो अनलॉक करना पड़ेगा, यही लगा देते हैं। इसमें ब्लैक सीट है तो ब्लैक ही लगा देते हैं, हमारे थीम के साथ मैच हो रहा है। तो भाई थोड़ा इधर को करके बढ़िया, और मतलब सही है, आती यहाँ पे बैठ जाओ। अब ऐसे थोड़े एसेंशियल लगाते हैं, जैसे ये टॉयलेट पेपर और ये भी जो भी होता है, ये फ्लश करने के लिए जो भी होता है। एक मैंने सोचा यार तरह ये रीडिंग लैंप टाइप कुछ लगाई जाए बिस्तर के ऊपर ना, मतलब अच्छा लगेगा। इतनी पे ठीक है शायद, हाँ ठीक है इतने में ना, थोड़ा सेंटर कर देते हैं, बढ़िया लगेगा। रात को कभी जरूरत पड़ जाए तो लाइट स्विचेस लगाते हैं भाई, उसके बिना ये सब जलेगा कैसे। थोड़ा मतलब टच आता है ना कि मतलब भाई हाँ बंदे ने कुछ किया है, जरा हर जगह लगाए। यहाँ पे सिंगल लगा देंगे, मतलब आती कोई आएगा तो एकदम से लाइट जल जाएगी सारी। यहाँ पे भी लगा देते हैं सिंगल लगा देते हैं, एक ये जल जाएगा आराम से, बढ़िया। एक पीछे भी लगा देते कंप्यूटर के लिए, कहाँ लगाएं इसको जहाँ हाथ पहुँच जाए। यहाँ ठीक है, बढ़िया। और क्या, यहाँ पे भी एक लगाते हैं, डबल लगा देते हैं। इधर की तरफ या इधर की तरफ, इधर की तरफ सही रहेगा मेरे ख्याल से, हाँ ये बढ़िया। चलो भाई मिरर भी लगाना, ये ठीक है मिरर, ब्लैक सही रहेगा, वॉश मशीन के साथ सूट कर रहा है। अब एक लैंप लगाते हैं फिर ऊपर को ना, लैंप अच्छी लगेगी। लाइट्स ये ठीक है, हमारा ब्लैक रेड और वाइट का थीम सही लग रहा है, मतलब ऐसी तीन कलर थीम बना रहा ना, बढ़िया लगता है। ऊपर पिंक कर दिया मैंने गलती से भाई, सोचा यार बाथरूम में थोड़े लाइट कलर रखते हैं, ठीक है वैसे इतना भी बुरा नहीं लग रहा बाथरूम। अरे बाथरूम का तो हो गया, अब जरा और भी चीज़ें देखते हैं, डेकोरेटिव चीज़ें जैसे फ़ोन हो गई, कहाँ रखें इसको, यहाँ पे नहीं यहाँ पे रखते हैं, ये ठीक है भाई। रात को सोते सोते कभी फ़ोन आ गया तो ऐसे उठा लेंगे, या कोई बिजनेस की कॉल आ गई तो यूट्यूब मीटिंग वगैरह यहीं से उठा के हाय हेलो करके रख देंगे। और क्या, मग विस्लर, हाँ भाई कॉफ़ी वगैरह तो ज़रूरी है, रात को वीडियो एडिटिंग वगैरह करके भाई आराम से कॉफ़ी पी के सोएंगे। आशीष को कॉफ़ी बहुत पसंद है भाई। और क्या है, गैस स्टोव भाई, हाँ भाई गैस स्टोव भी रखना ही है। कौन सा रखे, मॉडर्न वाला, मतलब यही ठीक है, वो लॉक करना पड़ेगा, ऐसे ही पैसा जाएगा, छोड़ो यही लगा देते हैं। भाई अगर गेमर्स रूम में ये, ओ भाई ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, मेरे को लगा छोटा सा होगा भाई, मैं वही कह रहा था, मतलब गेमर्स रूम में कंट्रोलर नहीं हुआ तो भाई क्या हुआ फिर, भाई वीडियो कैसे बनेगी भाई तुम्हारे लिए, रिकॉर्डिंग वगैरह भी तो करनी होगी भाई, कंट्रोलर तो होना चाहिए। अब जरा कॉन्सोल भी देखा जाए फिर, कॉन्सोल भाई, ओ भाई इतना मोटा, ओ भाई ये तो PS2 के बराबर से भी मोटा है, दिखने में PS2 जैसा। चलो कोई नहीं, नाम के लिए डब्बा सही चल जाएगा, बढ़िया लग रहा है, मतलब थोड़ा सीधा कर देते इसको। हाँ ठीक है, स्पीकर होने भी ज़रूरी है भाई, अच्छी क्वालिटी नहीं होगी भाई तो बंदा CS:GO वगैरह कैसे खेलेगा, वैसे तो हेडसेट है, फिर भी जैसा डेकोरेटिव पीस थोड़ा सेट करके लगाएं।
भाई टूथब्रश तो रखना भूल ही गया, चलो वो भी रख देते हैं। और आजकल तो भाई हाथ धोने बहुत ज़रूरी है भाई, आप भी धोया करो। और टॉवल वगैरह के लिए ठीक है, इसको लगाएं कहाँ पे, यहाँ पे ठीक रहेगा? नहीं यार टॉयलेट के ऊपर अच्छा लगा, यहीं पे रख लगा देते हैं। बढ़िया। और एक कपड़े फेंकने के लिए एक बास्केट भी, और क्या, और तो कुछ नहीं। चलो भाई बाथरूम का काम हो गया। मैंने देखो यहाँ पे ये कारपेट भी लगा दिए, सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कर्टन भी लगा देते हैं। अरे बढ़िया भाई, रेड बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे भी लगा देते हैं ज़रा। यार छोड़ो, बाद में देखी जाएगी, किचन तो ऐसे खुली अच्छी लगती है। मग, हाँ भाई कॉफ़ी मग तो भाई ऑब्वियसली होना तो चाहिए, जब कॉफी पी रहा है बंदा तो भाई कॉफी मग तो होगा ही। दरवाजा भाई, बाहर का दरवाजा भी चेंज करना है, मैं सोच रहा हूँ वाइट लगा दूँ, अच्छा लगेगा। अरे भाई बढ़िया, मॉडर्न लुक आ रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में ना भाई। तो और क्या, ट्रैश कैन, हाँ जरा किचन को भी जरा थोड़ा सेट कर दिया वाइट, सही लगेगा। ये देखो भाई किचन भी मैंने पूरी सेट कर दी, चाकू वगैरह डाल दिए, यूटेंसिल डाल दिया, और ग्लासेस और गमले भी डाल देते हैं यहाँ पे, थोड़ा टच आएगा भाई, अच्छा लग रहा है रूम। और कुछ है? नहीं भाई और तो कुछ नहीं भाई, मतलब ये लो भाई हो गया, फिर यही है अब, मतलब अच्छा लग रहा है। देखो भाई आते ही एक बढ़िया सी किचन, और क्या चाहिए भाई, स्टार्टिंग डेज में छोटी सी किचन होगी अपना, यहीं पे खाना वगैरह कॉफ़ी वगैरह हो जाएगा, ये लाइट स्विच वगैरह ये सब कर दिया मैंने, तो ये होगी किचन हमारी, लाइट्स बढ़िया लग रही है यार। और यहाँ पे हल्का सा आ गया हो तो ये हमारा गेमर्स रूम, या जो भी मान लो एडिटिंग वगैरह यूट्यूब वगैरह के लिए, मतलब एक वर्क स्टेशन मान लो ऑफिस जैसा ऑफिस। अब ज़्यादा रूम बड़ा है तो नहीं भाई, ऑफिस यहीं पर लगा लिया मैंने अपना, अच्छा लग रहा है। और ये है मेरा बेडरूम, एक तरीके से छोटा सा है, सिंगल बंदे के लिए काफ़ी है, डबल भी लगा सकते थे बेड भाई, बट चलो भाई किस्मत जब चमकेगी देखा जाएगा। ये है बाथरूम, अच्छा लग रहा है, सोचा नहीं था अच्छे से ब्लू ब्लू अच्छा लग रहा है। और भाई बस हो गया हमारा पहला ऑफिस, बन गया, बन के तैयार है। तो बताओ भाई फिर ऐसी गेम अच्छी लग रही है आपको ये? वैसे तो देखने में तो अच्छी है यार, मतलब खेलने में भी प्यारी है, और भी इसमें बहुत चीज़ें कर सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, उनको रेनोवेट करके बेच सकते हैं और वो सब। तो कमेंट में ज़रूर बताना भाई कि आपको गेम कैसी लगी, और चाहिए कि नहीं इस टाइप की सिमुलेशन गेम या यही गेम। तो चलो भाई मिलते हैं, बाय।